Hey, what's up guys? Critters here. आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया काफी ज्यादा कमाल का चीज जो कि है बीटा वर्जन का अपडेट्स। दो तीन में नए नए अपडेट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, एंड छोटा सा गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, यानी कि आप लोगों को सिर्फ गॉडजिला वाला जो गेम प्ले है वो मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा स्नीक पीक। होप आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। चैनल थोड़ा सा मेरा डाउन चल रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे, सब्सक्राइब लाइक कमेंट आप लोग थोड़ा सा करोगे तो क्या पता यूट्यूब थोड़ा सा पुश करे एंड आगे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। सो यहाँ पर पहला बात आप लोगों को न्यू व्हीकल मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर लास्ट वाली वीडियो में मैंने दिखाया था, यहाँ पर आप लोगों को टू सीटर एक नया व्हीकल देखने को मिल रहा है जो कि बग्गी के साथ वो आप लोगों का कम्पीट करेगा। वैसे देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल है एंड इसके ऊपर एक स्मॉल वीडियो भी मैंने बनाया है गेम के अंदर में, इसके ऊपर इसके अंदर बैठकर। सो वो भी आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा। पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा अपडेट दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो कि है फ्रेंड्स लिस्ट के अंदर में एंड ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का अपडेट है, जहाँ पर आप लोगों को ये ब्लू कलर का जो आप लोगों को एक आदमी दिख रहा है, पर्सन दिख रहा है, उसके ऊपर आप लोग क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें से आप लोगों का पहला है आइडल, जो कि नॉर्मल है, जैसा कि अभी आप लोग इतना दिन तक आप लोग प्ले कर रहे थे आइडल, वो यही वाला है। सो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। फ्री टू टीम अप आप लोगों को एक नया ऑप्शन है, जहाँ पर अगर आप लोग इसको क्लिक कर लेते हो तो आप लोगों को यानी कि आपके फ्रेंड्स लोगों को शो करेगा कि आप लोग रेडी हो कोई भी गेम खेलने के लिए, मैच खेलने के लिए, एंड वो आप लोगों को टीम अप के लिए इनवाइट इजीली कर सकते हैं एंड उनको भी समझ में आ जाएगा कि आप लोग अभी प्ले करने के लिए रेडी हो। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डू नॉट डिस्टर्ब का, एंड ये सबसे ज़्यादा कमाल का है। इसमें आप लोगों का फ्रेंड जो होगा वो आप लोगों को शायद आप लोगों को रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा अपना टीम के अंदर के लिए। सो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, ये मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा पर्सनली हेल्प करेगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो कोई ना कोई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है एंड उसको फिर मुझे कैंसिल करने में काफ़ी ज़्यादा खराब लगता है। सो जो भी हो, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर आ गया है। एंड जो फोर्थ फीचर है वो ये है स्टेल्थ का फीचर, मतलब कि अगर आप लोग ऑनलाइन हो, गेम प्ले कर रहे हो, तभी भी आप लोगों को आपका फ्रेंड को वो ऑफलाइन शो करेगा। मतलब कि सपोज आप ऑनलाइन हो एंड गेम खेल रहे हो तो आपके फ्रेंड को वो ऑफलाइन ही शो करेगा। इससे क्या होगा कि आप लोग छुप के इजीली प्ले कर सकते हो। ये ऐसा क्यों दिया है, मे बी किसी के लिए बेनिफिट होगा बट मेरे लिए उतना ज़्यादा नहीं है। सो होप आप लोग ये चारों फीचर्स को एंजॉय करोगे। नया फीचर था, काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, तो होप आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का टीयर रिवॉर्ड्स के अंदर में है। अगर हम लोग सीजन के अंदर में जाते हैं कि यहाँ पर ब्रोंज से लेकर आप लोगों का कॉन्करर तक सबको अब रिवॉर्ड्स मिलने लग जाएंगे यहाँ पर, मे बी एजी करेंसी, सिल्वर कॉइन्स, जो भी होगा बट आप लोगों को मिलेगा ज़रूर। सो यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ रैंक के अंदर में जाकर। सो यहाँ पर जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हो ब्रोंज 1 से लेके 5 तक में आप लोगों को काफ़ी कुछ मिल रहा है। मे बी यहाँ पर काफ़ी सारे आप लोगों को मिल रहे हैं ग्लोबल वर्जन में, जब ये आएगा नॉर्मल में एकदम, तो इतना ज़्यादा आप लोगों को सिल्वर कॉइन्स एंड एजी करेंसी शायद नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि ये सब सिर्फ रिवॉर्ड्स दिखाने के लिए है कि ये सब आने वाले हैं। जिसका नंबर्स रहता है वो मैटर करता है, वो वेरी करता है जब भी ये ग्लोबल वर्जन में आता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है आप लोगों का, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड एंड ये सब में काफ़ी ज़्यादा अच्छा अच्छा आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिल्वर कॉइन्स इसमें कलेक्ट कर पाओगे, ये ज्यादा अच्छा हो गया। बट क्राउन के बाद से आप लोगों को, डायमंड के बाद से आप लोगों को नहीं मिलेगा, डायमंड तक ही आप लोगों को ये सारे सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, क्योंकि क्राउन, एस एंड कॉन्करर में जाने के बाद आप लोगों को ऑलरेडी काफी ज्यादा कमाल का रिवॉर्ड्स मिल जाता है। एस में पैराशूट आप लोगों को मिल जाता है, क्राउन में आप लोगों को मिल जाता है ये आप लोगों का जो होता है रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड। सो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है ऑलरेडी सब कुछ, तो इसमें आप लोगों को नहीं दिया गया है। ये था दो मेजर अपडेट्स या फिर आप लोग माइनर अपडेट्स जो आप लोगों को बोलना है, काफ़ी ज़्यादा कमाल का था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सो सेटिंग्स के अंदर में। यहाँ पर जो चाइनीज़ में लिखा हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर हो सकता है। अब मे बी आपका फ़ोन सपोर्ट करे नहीं करे उसका गारंटी मेरा नहीं है, बट मेरे हिसाब से सब फ़ोन में सपोर्ट करना चाहिए। ये फीचर का नाम है मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन, मतलब कि ये वाइब्रेट करेगा। अब ये किस किस पोजिशन पर जाके वाइब्रेट करेगा, आप लोग फायर करोगे तब वाइब्रेट करेगा, ये तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। मेरा ये ऑन है फिलहाल, लेट्स सी ये क्या होता है। इसको मैंने कन्वर्ट किया था तो वहाँ पर लिखा हुआ आया था मोबाइल फ़ोन वाइब्रेशन करके। सो ये एक नया फीचर आया है। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो हम लोग आगे चलते हैं तो हम लोगों को चाइनीज में देखने को मिल जाएगा यहां पर आरपी वाला। सो ये वाला एक यहां पर फीचर आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। सो यहां पर जो लिखा हुआ है अलाउ अदर्स टू व्यू आरपी प्रिविलेज फाइल्स, अब ये क्या है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो शायद ये आरपी का जो हम लोगों का सब्सक्रिप्शन वाला रहता है जो थोड़ा कॉस्टली होता है उसके बारे में दिया हुआ है कि आप लोगों का आरपी जो रहता है वो परचेज किया हुआ वो आप लोगों को प्लेन में दिखाएगा कि नहीं एंड अदर प्लेयर्स को दिखाएगा कि नहीं, उससे रिलेटेड कुछ है। तो जिनका आरपी परचेज किया हुआ है उनको ही ये वाला चीज समझ में आएगा, आरपी का वो प्रिविलेज फाइल सब क्या है ये। अभी तो फिलहाल मुझे उतना क्लियर नहीं है इस बात पर।
एंड जो लास्ट वाला हमारा था सेटिंग्स के अंदर में, वो ये था इन ऑफिस लाइक फंक्शन। अब ये भी मैंने ट्रांसलेट तो कर लिया बट अभी तक समझ में नहीं आया इन ऑफिस लाइक फंक्शन ये क्या है। जब तक ये इंग्लिश में प्रॉपर जो लिखा हुआ नहीं होता है ग्लोबल वर्जन में, तब तक ये नहीं समझ में आने वाला है क्या फीचर है या फिर क्या नया चेंज है। सो जो भी होगा मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाले अपडेट्स वीडियोज़ के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलते हैं अपने थोड़े गेम प्ले की तरफ में। सो यहाँ पर अभी आप लोग देख सकते हो ये रहा हमारा गॉडज़िला एंड ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। ग्राफिक्स अभी थोड़ा सा मे भी आप लोगों को लो लगेगा क्योंकि मैं अपना मोबाइल में रिकॉर्ड करके आप लोगों को दे रहा हूँ एंड मेरा उतना हाई एंड डिवाइस नहीं है। सो देखने में काफ़ी ज़्यादा कमाल का ही लग रहा था एंड होप आप लोग भी जब इसको देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ग्राफिक्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो भी नया चीज़ आया है बहुत ही ज़्यादा कमाल का है एंड बहुत कुछ नया है ये। सो देखने में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा। आपको कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर से कमेंट करके मुझे बता देना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक नया तरह का व्हीकल की तरफ में, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था, टू सीटर वाला। सो ये रहा हमारा गॉडज़िला मैप के अंदर में एंड यहीं पर मेरा एक टीममेट फिनिश हो गया था, गॉडज़िला ने उस पर मार दिया था एंड उसके पास वो वाला कार था टू सीटर वाला, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। मार्क करके रखा है मैंने कहाँ पर है एंड मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है कि अगर ये मुझे पैर से उछाल दिया तो कैसा अजीब सा होगा। मेरे पास उसका भी रिकॉर्डिंग है, अगर आपको पैर से उछाल देता है तो क्या होने वाला है, उसके बाद मरोगे नहीं बट आप लोग हवा में उड़ जाओगे एंड काफ़ी ज़्यादा हाइट पर आप लोग चल जाओगे एक बार के लिए। तो सो यहाँ पर मैं जाऊँगा एकदम फटाफट से एंड वो टू सीटर वाला कार ले लूँगा यहाँ से। सो ये रहा हमें ये मिल जाता है टू सीटर वाला कार एंड इसको मैं भगाने का ट्राई करता हूँ बट ये फंस जाता है। कोई नहीं, फिर भी निकाल लेते हैं एंड मैं गॉडज़िला से यहाँ पर तो बच जाता हूँ बट आगे जाके गॉडज़िला मुझे मार देता है। कैसे मारेगा वो भी एक देखने वाला चीज़ होगा एंड एक्सपीरियंस मतलब आप लोगों को ये पता चल जाएगा पहले से एंड आप लोगों को ये ट्राई नहीं करना होगा। सो इसको लेके चलते हैं अभी हम लोग एंड यहाँ पर जाने के बाद आप लोग देखोगे ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कार, मतलब अगर आप लोग कंटिन्यूस लेफ्ट राइट करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा जिगल देता है गाड़ी एंड यस ये सही बात है, टू व्हील्स पे भी करता है, व्हीली भी करता है ये जो हमारा कार है। सो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा करके दिखाता हूँ एंड आप लोग देखना भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है एंड ये देखो ये पलट गया एंड ओ भाई साहब ये निकल भी गया था यहाँ से एंड अभी ये फिर से सीधा हो जाएगा। आगे चलते हैं एंड अभी मैं और इसको घुमाऊंगा एंड इसको दूसरी बार पलटी भी खिलवाऊंगा। सो अभी आप लोग देखना मज़ा आने वाला है यहाँ पर एंड ये लेफ्ट राइट हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा एंड ये पूरा टर्न हो जाएगा 360 एंड ये फिर से खड़ा हो जाएगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा एक कमाल का इसका है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देखने को और अभी अगर आगे जाऊँगा मैं फिर से ट्राई करूँगा बट उस टाइम पर ये पूरा पलटी खा के रह ही जाएगा, उसके बाद ये फिर सीधा नहीं होगा। सो जो भी हो नेक्स्ट वाली क्लिप की तरफ चलते हैं हम लोग। सो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक हॉट एयर बलून आप लोगों को गॉडज़िला को देखने के लिए, ऊपर से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अभी इसके अंदर जाऊँगा मैं एंड इसमें काफ़ी सारे लूट है यानी कि M4 ये सब बहुत कुछ मुझे यहाँ पर मिल जाता है एंड ये इजीली आप लोग कलेक्ट कर सकते हो बट आप लोग इसको हाथ में नहीं रख सकते। अभी बीटा वर्जन है इसलिए थोड़ा सा ग्लिच हो गया, थोड़ा लेफ्ट राइट हो गया पबजी की तरफ से एंड ये मेरा हाथ में ही रह गया बट आप लोग फायर नहीं कर सकते, आप लोगों का फायर का सिंबल जो है वो चला जाएगा जो बटन होगा एंड अभी आप लोग देखना कैसे इसका अजीब सा हाथ मुड़ जाएगा जब मैं कंट्रोल करूँगा इसको ऊपर लेके जाऊंगा इस हॉट एयर बलून को। सो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर और हम लोगों को कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। सो ये रहा हमारा कंट्रोल का ऑप्शन, अब इसे हम लोग एसेंड या डिसेंड कर सकते हैं। अभी आप लोग देख सकते हो हाथ कैसा अजीब सा फोल्ड हो रखा है बंदे का, जो गन पकड़ा हुआ है इसने काफ़ी ज़्यादा फनी लगा मुझे ये कैसे भाई पकड़ा हुआ है गन को रख दे पीछे बट ये ग्लिच है, आप लोगों का ये सब फिक्स हो जाएगा जब ग्लोबल वर्जन पे ये आएगा। बीटा वर्जन में काफ़ी सारे बग्स रहते हैं यहाँ पर, सो कोई टेंशन का बात नहीं है। ये आप लोग लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, बस ऊपर या नीचे ही जा सकते हो बलून को लेके ऊपर नीचे देखने के लिए आप लोगों का एंड अगर आप लोग जंप करोगे तो आप लोगों का पैराशूट भी खुल जाएगा। सो यहाँ पर मैं अभी जंप करूँगा एक दो सेकेंड में। सो ये रहा अभी मैं यहाँ पर इसमें जंप कर लेता हूँ एंड इंस्टेंट मेरा पैराशूट खुल गया बट खून कम हो गया था, पता नहीं कैसे खून कम हो गया यहाँ पर क्योंकि मैं व्हीकल के ऊपर उतरा था एंड यहाँ पर अभी आप लोग देखना अचानक से खून कम हो गया, थोड़ा लेट से हुआ, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर थोड़े बग्स रहते हैं बीटा वर्जन के अंदर में। सो आगे चलते हम लोग एंड इस बार मैं गॉडज़िला के आगे वाला पाथ पे आ गया था एंड इसको कंटिन्यूस देख रहा था अपने बलून को ऊपर करके, गॉडज़िला सामने से आ रहा था मुझे लगा ये ऊपर में नहीं फायर करेगा बट भाई ये ऊपर में भी फायर करता है। यही चीज़ मुझे आप लोगों को बताना था कि हॉट एयर बलून में आप लोग रह के रह मत जाना कि आप लोग सोचोगे कि ये नहीं मार पाएगा, गॉडज़िला आप लोगों को ईजिली उसके अंदर भी फिनिश कर सकता है। सो यही था छोटा सा वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए एंड आज के वीडियो में इतना ही था। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड ये रहा छोटे छोटे क्रिस्टल्स जो गिराता है हमारा गॉडज़िला। लास्ट में छोटा सा मैं आप लोगों को चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये आप लोगों का एक ग्रेनेड के जैसा थोड़ा सा काम करेगा एंड